हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेक्स्ट फॉर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इस तरह के फोटो को कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इस तरह के फोटो अपलोड करते हो तो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और वीआईपी लगती है। दोस्तों, आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इस तरह के वीआईपी फोटो को अपलोड करना चाहते हैं तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको मेरे उस स्टेप को फॉलो करना है और आप बहुत इजीली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इस तरह के फोटो अपलोड कर सकोगे और आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वीआईपी बना सकोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ पे दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो अभी दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे वीआईपी लग रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे जो है कि मैंने एक भी पोस्ट नहीं की है और मैं आपको जो है कि यहाँ पे वो जो है कि वीआईपी फोटो अपलोड करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्टाइलिश और कितना वीआईपी लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है कि वीआईपी फोटो को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ से सिंपल सा बैक हो जाना है डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद भी आपको अपना क्रोम सबसे पहले ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सर्च में आ जाना है। सर्च में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है hindiara.com। दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर लेना। जैसे करोगे वाली साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी तो आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है बाहर भी मिल जाएंगे इंस्टाग्राम के, और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है कि इंस्टाग्राम के जो है स्टाइलिश फोटो भी मिल जाएंगे, फीचर फोटो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक सर्च का आइकॉन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखना है फीचर फोटो। फीचर फोटो लोग दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर लेना है। सर्च करने में सबसे फर्स्ट में आपको ये वाला पोस्ट मिल जाएगा, न्यू इंस्टाग्राम वीआईपी फीचर फोटोज। तो उसको सिंपल सा क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आप इस तरह से सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से सर्च नहीं करना तो वाले साइड लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप इस बार में चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे जो है वीआईपी फीचर फोटो मिल जाएगी, तो आपको इसको सबसे पहले डाउनलोड करना है। ये फोटो जो है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लगा दो तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वीआईपी लगती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कौन सा भी अपने पसंद का डाउनलोड कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आपको जो है कि यहाँ पे चार पांच फोटो को डाउनलोड करना है और आप चार पांच फोटो को आपको लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से जो है कि फोटो को डाउनलोड करना है। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पसंद हो, उसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पसंद हो, उसको डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं कि मैं वाला करता, आपको ये करना है। आपको जो भी अच्छा लगे उसको करना है। जैसे कि मैं वाला भी यहाँ से कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे चार पांच इमेज को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, आपको बहुत सारे यहाँ पे फोटो मिल जाएगा। मैं सारे फोटो आपको पहले दिखाता हूँ, बाद में आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो ये वाले फोटो भी यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आता हूँ और आप यहाँ से कौन सा भी दूसरा डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि दूसरा ये वाला यहाँ से कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है चार पांच फोटो को डाउनलोड कर लिया। मैंने अपने हिसाब से के लिए आपको भी जहाँ से जो भी अच्छा लगे उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है स्टाइलिश और वीआईपी फीचर फोटो मिल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ से सिंपल सा बैक हो जाना है फोटो डाउनलोड होने के बाद। अभी दोस्तों, बैक होने के बाद आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ेगा। ये वाला एप्लीकेशन रहेगा ग्राइड मेकर फॉर इंस्टाग्राम। ये वाला जो है कि ग्राइडी नाम का एप्लीकेशन रहेगा, उसको सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में इसको सिंपल सा आपको परमिशन देके क्लिक करना है और ओपन कर लेना है इसको। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सबसे फर्स्ट में ग्राइड का, उसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। और आपको यहाँ से जो है कि इमेजेस को चूज़ करना है। जो भी इमेज को लगाना चाहिए उस वाली इमेजेस को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं वाली इमेजेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। वही सिलेक्ट करने में दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है नीचे 3x3 का, उसके ऊपर ही आपको जो है कि सिलेक्ट करना है। उसको वहाँ पर जो है कि ट्रिक रहने देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सही के निशान में उसको टिक कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने ऐड आएगी, उसको जो है कि थोड़ा वॉच करना है। उसके बाद में आपको उसको यहाँ से सिंपल सा कट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है कि इसको नंबर वाइज यहाँ से लगाना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव का, और इमेज और आप ये वाली इमेज को जो है कि यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो आपको इसको दोस्तों नंबर वाइज लगाना है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक नंबर पे सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, तो आपको यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन मिल जाएगा फील्ड का, उसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक एरो ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको जो है कि उसको जो है कि एरो को निशान पे आपको जो है कि क्लिक करते जाने। आप जैसे अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो अपने फोटो को, वैसे ही आपको करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे राइट एक ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको कुछ लिखना नहीं। आपको जो है कि आपको सिंपल इसको फोटो को पोस्ट कर देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे एक पोस्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं सारे पोस्ट को जो है कि पब्लिश करके आपको दिखा था। फिर से आपको यहाँ से मिनिमाइज होना है। फिर से आपको यहाँ पे ये वाले जो है ग्राइड फोटो पे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्लिक करना है। फिर से फिर पे क्लिक करना है। फिर से आपको जो है कि उसको एरो के निशान पे सही करते हैं, उसको यहाँ पे डन करना है। और आपको दूसरे भी फोटो यहाँ पे जो है कि पोस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होकर हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से मिनिमाइज होना है। फिर से ये वाली फोटो को यहाँ से लगा लेना है। फिर से फिर पे क्लिक करना है। फिर से उसको जो है कि सही के निशान पे सही करते जाना है, यानी कि उसको पोस्ट करते जाना है।
आप जैसे पोस्ट करते हो वैसे करना, यहाँ पे वो जो है कि ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे जो कि नए नए पोस्ट को जो है कि मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जो है कि सभी पोस्ट को यहाँ से कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाली पोस्ट को कर दिया, अभी मैं यहाँ से दूसरे पोस्ट को लगा हुआ था, फिर से आपको यहाँ से मिनिमाइज हो जाए हैं और आपको यहाँ से सिंबल सा एक बार बैक हो जाना, यहाँ से भी बैक हो जाना, फिर से आपको यहाँ पे ग्रैड वाले ऑप्शन पर सिंबल सा क्लिक देना है, भी आपको यहाँ से दूसरा वाला पोस्ट जो है सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी सिलेक्ट होने वाला, इसको भी आपको यहाँ पे 3x3 पर रहने देना, फिर से आपको यहाँ पे इसको सही कर देना है, फिर से आपको जो है कि इसको लगाना है, फिर से आपको यहाँ पे एक नंबर पर क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे फ्री पे क्लिक करना है, फिर से इसको पोस्ट करते जाना है। आप जैसे ही करते हो अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट वैसे ही करना है, उसमें कोई परेशानी ज़्यादा मुश्किल नहीं, मैं एक बार करके आपको यहाँ पे दिख रहा था। फिर से आपको यहाँ पे 2 नंबर पे क्लिक करना है, फिर से फिर पे क्लिक करना है और आपका आपको यहाँ पे एरो का निशान मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करते रहना, उसके बाद आपको यहाँ पे उसको डन करके सेव कर देना है। दोस्तों मैं जो है एक एक फोटो को यहाँ से अपलोड करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सारे फोटो आपको जो है पोस्ट करके दिखाता हूँ, बस मेरे इंस्टाग्राम का जो है प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ कितना VIP लगता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे इमेजेस को जो है पोस्ट कर दिया, अभी मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरा प्रोफाइल एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा नीचे तरफ यहाँ पे देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में जो है ब्राइड फोटो लग चुका है, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल कितना स्टाइलिश है, कितना VIP लग रहा है। अब आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पहले कितना नॉर्मल लगता है, अब कितना स्टाइलिश है, कितना अपग्रेड और कितना VIP लग रहा है। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इस तरह के फोटो अपलोड कर सकते हैं, बहुत इजी। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट कितना स्टाइलिश है, कितना VIP लग रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ट्रिक पसंद आएगा, दोस्तों आपको मेरा ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर दिन, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी जरूर करना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो नया सबसे नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।